खरगोनियाली परिसर से पुलिस ने एक बार फिर ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कागजात तरीके से एक ही ऋण पुस्तिका का इस्तेमाल कर अलग अलग लोगों की जमानत कराकर उन्हें जेल से बाहर कराता था। जमानतदार बार बार अनजाने आरोपियों की जमानत देने पहुंच रहा था। इस पर खुद सीजेएम न्यायालय ने संज्ञान लिया। फर्जी जमानतदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। पकड़े गए फर्जी जमानतदार पर कई अन्य लोगों से भी पैसा लेकर जमानत दिलाने का संदेह जताया गया है। थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद्मा राजोरा की न्यायालय में 10 अप्रैल को SCNI 78/18 सतीश विरुद्ध नई दिन के प्रकरण में जमानत के लिए हयात पिता रसूल खा जाति मुसलमान 65 वर्षीय निवासी गोपालपुरा तहसील द्वारा आरोपी नईमुद्दीन पिता नजमुद्दीन काजी की जमानत प्रस्तुत करते हुए उपस्थित हुआ था। जमानतदार तस्दीक के दौरान आरोपी नईमुद्दीन एवं जमानतदार ने एक दूसरे को पहचाने के तथ्य बताए हैं। उनमें भिन्नता पाई गई है जिसे दृश्यत होता है कि जमानतदार के तथ्य एक दूसरे से परिचित नहीं है और जमानतदार के द्वारा असत्य रूप से जमानत प्रस्तुत की जा रही है। ये कल दिनांक को एक आरोपी है नईमुद्दीन, उसकी जमानत के लिए हयात पिता रसूल खान निवासी गोपालपुरा थाना मेनगांव ये उपस्थित हुए थे जमानत के लिए। इनके द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम महोदय के समक्ष बताया गया था शपथ पत्र पर कि आरोपी को पहचानते हैं, लेकिन जब उनके सामने तस्दीक की थे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, असत्य जानकारी दी गई इनके द्वारा। और साथ ही इनकी ऋण पुस्तिका को जब चेक किया गया तो इनके द्वारा पूर्व में भी 3 जमानत दी गई है, परंतु जो कल इनके द्वारा ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की गई उसमें उसका उल्लेख नहीं था। तो इस आधार पर इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऋण पुस्तिका तैयार कर और आरोपी को नहीं पहचानते हुए और माननीय सीजेएम न्यायालय श्रीमती पद्मा राजोरे तिवारी मैडम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से कि माननीय न्यायालय के आदेश पर से थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी इस प्रकार की 2 घटनाएँ हुई थी जिसमें कि इसी आधार पर जो फर्जी जमानतदार के द्वारा जमानत प्रस्तुत की गई थी उनके विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था और न्यायालय पेश किया गया था।